होटल के अंदर प्रेग्नेंट जेन आराम कर रही होती है, तभी भूकंप के झटकों के वजह से होटल हिलने लगता है। डर के मारे वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है और वो मलबे के नीचे दब जाती है। उसका पति विक्टर उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर जेन की इस स्थिति को देखने के बाद विक्टर को बताते हैं, जेन बुरी तरह घायल हो चुकी है, अब तुम्हें दोनों में से एक को ही चुनना होगा। अब हम चलते हैं 13 साल बाद, जहाँ पे विक्टर अपनी बेटी एंजेला के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। इसका मतलब विक्टर ने एंजेला को चुना था। एंजेला अपनी माँ की यानी कि जेन की प्रेगनेंसी के फोटोज देख रही होती है। वो विक्टर को बताती है कि स्कूल के बाद उसे अपनी सहेली कैथरीन के घर जाना है। विक्टर पहले तो इस चीज से इनकार कर देता है, पर जब वो उसे स्कूल छोड़ने जाता है तब वो एंजेला को शाम को जल्दी घर आने के लिए कहता है। इसका मतलब उसने एंजेला को कैथरीन के घर जाने की इजाजत दे दी थी। खुशी के मारे एंजेला अपने पापा को गले लगाती है। एंजेला, कैथरीन और मिशेल ये तीनों स्कूल की दोस्त हैं और इन तीनों का प्लान स्कूल के बाद जंगल में जाने का होता है। हालांकि मिशेल उनके साथ नहीं जाती, पर एंजेला और कैथरीन स्कूल के बाद जंगल के अंदर चली जाती है। वहां पर वो कैंडल चलाकर एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। शाम को विक्टर जब काम करके घर लौटता है तब वो एंजेला को घर में नहीं पाता। इसके वजह से वो परेशान हो जाता है। वो कैथरीन की माँ को कॉल करता है। कैथरीन की माँ बताती है कि वो तीनों भी मिशेल के घर पढ़ाई कर रहे हैं। कैथरीन की माँ जब मिशेल को कॉल करती है तब मिशेल उन्हें बताती है कि उन दोनों का प्लान स्कूल के बाद जंगल में जाने का था। अब कैथरीन की माँ, उसके डैड और विक्टर तीनों भी मिलकर जंगल में दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। साथ ही साथ वो पुलिस को भी इत्तला कर देते हैं। जंगल के अंदर कैथरीन की स्कूल की बैग मिलती है और विक्टर को एंजेला का एक शूज मिलता है। इसके बाद लगभग 3 दिन तक पुलिस उन्हें जंगल में ढूंढने की कोशिश करती है, पर लड़कियों का कहीं पे पता नहीं चलता। आखिरकार 3रे दिन दोनों भी एक अस्तबल में छुपी हुई मिलती है। विक्टर को जब इस बात का पता चलता है तो वो एंजेला को मिलने के लिए बहुत तेजी से अस्पताल आता है। एंजेला पिछले 3 दिनों से गायब है, पर उसे इस बात का पता ही नहीं। ये देखकर विक्टर चौंक जाता है। अस्पताल में लड़कियों के सभी टेस्ट किए जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। दोनों भी परफेक्टली नॉर्मल लगती है। ना ही उनका कोई शारीरिक शोषण हुआ है और ना ही उन्हें किसी ने किडनैप किया है। वो बस जंगल में 3 दिन तक चलती रही और आखिरकार एक किसान के शेड में छुपी हुई मिली। वहां अस्पताल में एक चौंका देने वाली बात होती है, जहां पर एक छोटा बच्चा रो रहा होता है। एंजेला विंडो के थ्रू उसे देखती है और विंडो पे जैसे ही वो हाथ मारती है बच्चा रोना बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों को भी अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। एंजेला अपने घर में होती है, तभी विक्टर उससे पूछता है कि आखिरकार तुमने 3 दिन क्या किया। एंजेला बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी, अपनी माँ से बात करना चाहती थी, क्योंकि कभी कभी उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती है। कैंडल जलाकर उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, पर वहां पर कोई नहीं था। ऐसा कहकर वो बात को टाल देती है। इसके बाद उसे विक्टर के पीछे भूत दिखाई देता है, इसीलिए वो विक्टर को जाने के लिए कहती है। कुछ देर बाद विक्टर ब्रश कर रहा होता है, तब एंजेला वहां पर आती है। विक्टर एंजेला को सोने के लिए फिर से भेज देता है। एंजेला जाने के बाद जब वो ब्रश कर रहा होता है तब लाइट चली जाती है और पलक झपकते जैसे ही लाइट ऑन होती है तब उसे उसके बगल में एंजेला नजर आती है। ये देखने के बाद विक्टर डर जाता है। अगले दिन सुबह विक्टर एंजेला के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके कमरे में जाता है, तब एंजेला ने बेड को बुरी तरह गंदा किया हुआ उसे दिखता है। विक्टर उसे नहाने के लिए वॉशरूम में भेजता है और खुद बेड साफ करने लगता है। तभी उसे आहट होती है कि एंजेला बाथरूम से बाहर चली गई है। वो बाथरूम का टैप बंद करने जाता है, तब टब के अंदर सारा काला पानी नजर आता है। वो एंजेला को ढूंढने की कोशिश करता है, तभी एंजेला उसके पीछे आकर अपनी माँ के स्कार्फ से उसका गला घोटने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है कि मेरी माँ कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। इसीलिए उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर जब उसके शरीर की तस्वीरें लेते हैं तब उसके नाखून उखड़े हुए दिखाई देते हैं और उसके पेट पे जख्मों के निशान नजर आते हैं। दूसरी ओर टोनी और मिरिंडा कैथरीन मिलने की खुशी में चर्च के अंदर रिचुअल्स कर रहे होते हैं, तभी अचानक कैथरीन फादर के सामने शो मी योर खून कह के चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, इसीलिए अब
कैथरीन को भी अस्पताल भर्ती किया जाता है। टोनी, मिरिंडा और विक्टर तीनों भी हैरान होते हैं कि आखिर उन दोनों लड़कियों के साथ क्या हुआ होगा। तभी मिरिंडा बताती है कि उन्होंने जंगल में जरूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से अपवित्र आत्मा उनके शरीर में घुस गई है। वो ये भी बताती है कि मरने के बाद जीसस नरक गए थे और उन्होंने शैतान पर अपना हक जताने की कोशिश की थी और 3 दिन बाद वो लौट कर आए थे, जैसे कि हमारी बेटियां भी लौट कर आई है। ये सब सुनने के बाद मायूस होकर विक्टर घर पहुंचता है। तब अस्पताल में काम करने वाली नर्स उसे मिलने के लिए आती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी तो एक चमत्कार है, इससे पहले आज तक मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा है। ये कहकर वो उसे एक किताब देती है। विक्टर को लगता है कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है, इसीलिए वो कहता है कि मुझे इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो नर्स अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि बचपन से ही उसे नन होना था, पर वो ईश्वर के रास्ते पर चल नहीं पाई और प्रेग्नेंट हो गई। कॉन्वेंट में एडमिशन लेने के लिए नाम बदलना जरूरी होता है। उसने अपना नाम सिस्टर मेरी जेवियर सोचा था, जिसका उसने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आज तक किसी को भी इस नाम के बारे में पता नहीं था और ना ही उसकी प्रेगनेंसी के बारे में, पर एंजेला को ये सब कुछ पता है। जब ये बात विक्टर को पता चलती है तो विक्टर को उस नर्स की बातों पर यकीन हो जाता है और वो किताब पढ़ने लगता है। किताब में लिखी हुई बातों से वो प्रभावित हो जाता है और उस किताब की लेखिका क्रिस को मिलने के लिए वो चला जाता है। दोनों की बातें होती है और विक्टर क्रिस को बताता है कि मेरी बेटी के पेट पर जख्मों में हेल्प लिखा हुआ है, उसे मदद की जरूरत है, तो क्या तुम उसे बचाने में मेरी मदद कर सकती हो। क्रिस इस बात को मान लेती है और दोनों भी अस्पताल में जाते हैं, जहां पर एंजेला क्रिस को पहचान लेती है और एक स्ट्रेचर के नीचे से उठकर क्रिस पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी क्रिस दूसरी लड़की के बारे में पूछती है। विक्टर उसे बताता है कि वो तो घर पर है। क्रिस कहती है कि उसे वहां पर नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों भी अब कैथरीन के घर जाते हैं। क्रिस और कैथरीन का जब आमना सामना होता है, तब कैथरीन उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी रेगन को ढूंढना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। क्रिस उसे कहती है कि मुझे रेगन को नहीं ढूंढना, मुझे इन छोटी बच्चियों की जान बचानी है जिसके शरीर में तुमने प्रवेश किया है। तुम उसके शरीर को छोड़कर चली जाओ। इसके बाद कैथरीन को दौरे पड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। क्रिस को लगता है कि अब ये ठीक हो गई, पर तभी वो क्रॉस उठाकर क्रिस के दोनों आँखों को घायल कर देती है। क्रिस अंधी हो जाती है और उसका अस्पताल में इलाज होता है। इसके बाद विक्टर एक मांत्रिक औरत से मिलने जाता है, जिसे उसके नेबर ने घर पे बुलाया था, और दूसरी ओर नर्स फादर डैनियल से मिलती है, जो एक्सोर्सिज्म की प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूवल लेकर आता है। सभी मिलकर उन दोनों लड़कियों को विक्टर के घर लेकर जाते हैं, लेकिन आखिरी मौके पर फादर डैनियल एक्सोर्सिज्म करने से इनकार कर देता है। इसीलिए अब नर्स के पास खुद एक्सोर्सिज्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, पर सब लोग उसके साथ होते हैं। विक्टर, मिरिंडा, टोनी, नर्स, मांत्रिक औरत और विक्टर का नेबर, सभी लोग घर के अंदर जाते हैं, जहां पर लड़कियों को कुर्सी से बांधा होता है। मांत्रिक औरत सभी को तावीज देती है और कहती है कि लड़कियों के नजदीक बिल्कुल मत जाना। नर्स मंत्र का उच्चारण करने लगती है। तभी कैथरीन उसे कहती है कि आज रात तुम मरोगी, सबके सब मरेगी। सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पर उन लड़कियों पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। मांत्रिक औरत अब पवित्र पानी लेकर आती है और दोनों लड़कियों को उससे नहलाती है, जिसके बाद उनके अंदर की गंदगी बाहर निकलना शुरू होता है और दोनों को भी दौरे आने लगते हैं। दोनों लड़कियां अपने मुंह से गंदा गैस छोड़ना शुरू करती है। मांत्रिक औरत आग लगाती है और उस आग से निकला हुआ धुआं उस गंदे गैस को खींच लेता है। अब विक्टर भी आकर प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाए। तब एंजेला उसे कहती है कि माँ और बेटी के बीच में तुमने बेटी को चुना था और माँ को मार दिया था। ये सुनने के बाद विक्टर को शॉक लगता है। तभी दोनों लड़कियां कहती है कि आज तुम्हें दोनों में से एक लड़की को चुनना होगा और एक मरेगी, अगर तुम किसी को नहीं चुनोगे तो दोनों भी मरेगी। ये सुनने के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। विक्टर और मिरिंडा दोनों भी कहते हैं कि हम किसी को भी नहीं चुनेंगे। तभी फादर डैनियल मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस कमरे में आ जाते हैं। दोनों भी लड़कियों के सर पर हाथ रखकर वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं
सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वजह से उन लड़कियों की ताकत कमजोर हो जाती है। सभी को लगता है कि लड़कियां बच जाएगी, पर तभी कैथरीन अपना सर घुमाती है, जिसकी वजह से फादर डैनियल की गर्दन उल्टी हो जाती है और वो मर जाते हैं। अभी विक्टर अपने मरी हुई बीवी का स्कार्फ लेकर एंजेला के शरीर पे डालता है और उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं और मेरी बीवी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तुम अब लौट आ जाओ। एंजेला अब नॉर्मल होते हुए दिखाई देती है, इसीलिए कैथरीन अपनी माँ से पूछती है कि अब मेरा क्या होगा। ये सुनने के बाद टोनी यानी कि कैथरीन के पिता, मैंने तुम्हें चुन लिया है, और आकर वो उसके हाथ पैर छुड़ाना शुरू करते हैं। एंजेला विक्टर को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से विक्टर दूर जाकर गिरता है। एंजेला अब हवा में उड़ने लगती है और उसके मुंह से खून के फव्वारे निकालते हैं, और कुछ देर बाद वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सभी को लगता है कि कैथरीन बच गई और एंजेला मर गई। कैथरीन जगने की कोशिश करती है, पर शैतान उसे पानी के तालाब में खींच लेता है। विक्टर एंजेला को गले लगाकर रो रहा होता है, तभी एंजेला अपनी आंखें खोलती है और हमें पता चलता है कि कैथरीन मर चुकी है और एंजेला बच गई। तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी चीजों की शनाख्त करते हैं। पुलिस नर्स को एक्सोर्सिज्म के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन सुबह विक्टर एंजेला को स्कूल छोड़ता है। एंजेला क्लास के दौरान अपनी दोस्त कैथरीन की सीट को बार बार देख रही होती है। वहां अस्पताल में क्रिस के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसे लगता है कि शायद विक्टर उसे मिलने आया है, पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसकी बेटी रीगन उसे मिलने आई होती है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।